अकोला पहुंची श्री गजानन महाराज की पालकी अकोला के सभी अलग अलग इलाकों से होती हुई राजेश्वर मंदिर से हरिहरपेट पहुंची। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव की पालकी गुरुवार 13 जून 2024 को शेगांव से रवाना हुई। श्री की पालकी में 2 घोड़े और 9 वाहनों के साथ 700 वारकरी थे। घायलों के लिए डॉक्टर और सहायक के साथ एम्बुलेंस वाहन मौजूद थे। इसके चलते रास्ते में श्री पालकी और अन्य डांडियों में मरीजों की दवा की जाती है। श्रमिकों के लिए पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था है। श्री की पालकी 15 जुलाई 2024 को श्री क्षेत्र पंढरपुर पहुंचेगी। श्री की पालकी आज यही ठहरी हुई है। उस स्थान पर रात्रि के कीर्तन कार्यक्रम होगा। हालांकि भक्तों को कीर्तन सुनने और श्री दर्शन का लाभ लेना चाहिए। श्री परिवारी पालकी समारोह का 55वां वर्ष है। श्री की पालकी 14 तक श्री क्षेत्र पंढरपुर चतुर्दशी में रहती है और अंधेरा होने के बाद पूर्णिमा पर श्री की पालकी अपनी वापसी यात्रा शुरू करती है। गांव वाले श्री की पालकी का बहुत ही श्रद्धा भक्ति उत्साह पूर्ण वातावरण में स्वागत करते हैं। अन्नदान बहुत बड़ा था। जब पालकियों की श्री क्षेत्र पंढरपुर में रहती है तब श्री संस्थान की ओर से 3 लाख से अधिक वारकरी भक्तों को नवमी दशमी एकादशी द्वादशी पर महाप्रसाद मिठाइयां वितरित की जाती है। संस्था के नियम के अनुसार 10 तालजोड़ वीणा मृदंग हाथोड़ी जैसे भजन साहित्य और श्री ज्ञानेश्वरी श्री एकनाथी भागवत और श्री तुकाराम महाराज की गाथाओं का संत साहित्य दिया जाता है। आज 7 राज्यों महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश गोवा तेलंगाना के 77 जिलों में 19,974 भजनी सामग्री वितरित की जा चुकी है और यह सेवा निरंतर जारी है। गाँव की ओर जब श्रीपाल की श्री क्षेत्र पंढरपुर वारी जा रही होती है तो रास्ते में मिलने वाले दिनदास के बुनकरों को श्री संस्था द्वारा कपड़ा प्रसाद वितरित किया जाता है। डिंडी में वारकरियों के लिए औषधियों का भी उपयोग किया जाता है। श्री की पालकी 9 अलग अलग जिलों से होकर शेगांव से पंढरपुर तक 33 दिनों की 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती है। NBC न्यूज के लिए अकोला से अजगर खान की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो भाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।